डिलीवरी चैनल में। इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे का जन्म कोई आसान प्रोसेस नहीं होता। वजाइनल बर्थ में एक स्त्री की योनि बच्चे के बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। इस दर्द को पूरी तरह हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारी दादी नानी के समय से ही डिलीवरी को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनसे मन की तकलीफ को कम करते हुए वजाइनल डिलीवरी से बेबी का बर्थ आसानी से हो सकता है। आइए जानते हैं इन आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में। इससे पहले क्या आप ये जानते हैं प्रेगनेंसी में 2 आवर्स की रेगुलर वॉक जरूरी है? आगे हम जिन आयुर्वेदिक रेमेडीज की बात करेंगे उन्हें ट्राई करने के साथ साथ आपको ये बात याद रखनी होगी कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने के लिए सुबह और शाम लगभग 2 घंटे की वॉक करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी और लेबर पेन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी पहली होम रेमेडी के बारे में, जो की है नींबू पानी या शिकंजी, जिसे हम लेमिनेट भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक्सपेक्टिंग मदर्स 4th मंथ ऑनवर्ड्स अगर नींबू की शिकंजी पीना रोज शुरू कर दे तो उसके लेबर पेन में काफी कमी आ सकती है। नारियल की गरी और चीनी, ऐसा माना जाता है कि होने वाली माँ अगर 25 ग्राम सूखे नारियल की गरी और 25 ग्राम चीनी मिलाकर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खाए तो उसकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। बादाम, गोंद, घी और बूरे का मिक्सचर, एक एक्सपेक्टिंग मदर की बॉडी हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रहे उसके लिए एक बड़ा ही इफेक्टिव मिक्सचर घर पर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 200 ग्राम आलमंड्स को पानी में सोक कर लें और फिर उसे पील करके सुखा लें। अब 50 ग्राम गोंद को देसी घी में भूनकर फाइन पाउडर बना लें। अब इन दोनों में 250 ग्राम शक्कर का भूरा मिला दें। जार में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे रोजाना 2 चम्मच सुबह हल्के मीठे दूध के साथ खाएं। सुबह इसे खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ न खाएं। इसी तरह शाम को भी इसका सेवन करें और उसके 2 घंटे बाद ही डिनर करें। इसका सेवन करने से आपकी बॉडी को पूरा पोषण और न्यूट्रिशन मिलेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। कलमी शोरा, केसर और गुलाब जल, आपकी डिलीवरी के दौरान लेबर पेन कम हो उसके लिए आप एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए 6 ग्राम कलमी शोरा विच इज पोटेशियम नाइट्रेट ले, 3 ग्राम सैफ्रॉन और 60 ग्राम रोज वाटर। अब कलमी शोरा और केसर को खारल में अच्छे से कूट ले और फिर रोज वाटर के साथ थोरली मिक्स कर ले। इस मिक्सचर को चाय की तरह पिए। जैसे ही आपको लेबर पेन शुरू होने लगे इस मिश्रण को गर्म कर ले और चाय की तरह सिप करते हुए पी ले। यकीन मानिए यह आपके चाइल्ड बर्थ और लेबर पेन के दौरान काफी तकलीफों को दूर कर देगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चाहिए ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन जो आपकी मदद करे तो डाउनलोड करें MyLo app।